क्या आप भी अपने मोबाइल के किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो अनइंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, उन्हें भी आप कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन को आप कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल संकट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर है और यहाँ पर देखिए अपने मोबाइल पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें मैं अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ या फिर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिन्हें मैं अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, वो अनइंस्टॉल नहीं हो रहे हैं या फिर मुझे अनइंस्टॉल करना नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरीके हैं, मैं साफ साफ आपको यहाँ पर दोनों तरीके बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी भी एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करना है तो सबसे पहले उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। देन देखिए यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए मैं अनइंस्टॉल पर क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे देखिए लिखा आ रहा है होम स्क्रीन लेआउट लॉक्ड, मतलब ये कोई भी एप्लीकेशन को मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब हटा भी नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं उसको यहाँ से डिलीट कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पे, क्योंकि ये आपके मोबाइल से सेटिंग से ही ये सेटिंग्स बंद हुई है, जिसके कारण कोई भी एप्लीकेशन को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर पा रहे हैं। सो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा यहाँ पर नीचे इस तरीके से आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पर लिखा होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन होगा लॉक स्क्रीन, यहाँ पर लिखा देखिए लॉक होम स्क्रीन लेआउट, यहाँ से जो आपकी होम स्क्रीन के जो वो लेआउट है यहाँ से लॉक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ से आपको बंद कर देना है। अब यहाँ से बैक आएंगे तो देखिए अब यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को आप मूव कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा एप्लीकेशन अब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो रहा है। देखिए फिर से मैं वहीं से जगह पर लगा देता हूँ तो वहीं पर फिर से चला गया। अगर मैं इसे अब अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, अगर वो सेटिंग्स ऑन नहीं होती है तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर देखिए सिंपली क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, नीचे देखिए अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर सेटिंग्स से बंद है तो इस तरीके से आप सेटिंग्स में भी जाकर इनेबल कर देंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन को बहुत ही इजीली स्टेप में यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो मैं ऐसा करता हूँ, छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।